अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आ गया और थोड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि आपको कभी भी बेबी आ सकता है, इसके चलते आज भर्ती हो जाएंगे कल भर्ती हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका नाल जो बेबी का जो गला होता है उसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज ना सुबह सुबह माँ बेटे का चल रहा है मस्ती और मौसम तो आज लग रहा है गड़बड़ा गया है, पानी आ सकता है। आज हमें जरूरी काम से बाहर भी निकलना है। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। जो 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 ए लाइन रनिंग करना है। अच्छा, आप लोग भाई बाबू को ना ब्रश कराइए, इनको भी रेडी करना होगा, स्कूल भेजना होगा। अब तक हम जा रहे हैं सब्जी तोड़ने। और मामा बुलाएंगे बोलने के लिए, बेटा मामा मामा मौसी नहीं बोलना। पहले बड़ी बोलते थे मामा मामा मौसी। अरे बोलिए ये माँ तो ये जा रहे हैं अभी डलिया लेकर कुछ सब्जियां तोड़ने के लिए। सुबह में डू साहब को नाश्ता देना होता है तो कुछ घर का सब्जी मिल जाए तो अच्छा है। ऐसे तो खाते नहीं है ये, लेकिन थोड़ा मोड़ा ले ही लेंगे। यहाँ पर एक पक गया, एकदम लाल हो गया, खाने में बड़ा मजा कोई नहीं खाता है ना। और अभी फर्स्ट आप तोड़ लीजिए, हम डू साहब को ब्रश करा लेते हैं। ऊपर तोड़ दें, कढ़ाई में घी ऐड कर दिए, इधर सूजी निकाल लिए हैं, हल्का ही बना रहे हैं। सेंट कितना अच्छा लग रहा है घी का, घी में बनाते ही हमें तो बाबू के लिए नहीं तो इसका सेंट पूरा घर एकदम जो है ना दमक जाता है। और ब्रश कर लिए ना? हाँ ब्रश कर लियो, बस बैठे हुए हैं और आपका नाश्ता का वेट कर रहे हैं। बस हो गया, बस मेरा रेडी हो जाएगा। दोस्तों आज है शनिवार और डुगू साहब को हम लोग ड्रेस जो है पहना दिए हैं, ये ब्लू वाला। अच्छा ये लोअर निकाल दिए, बड़ा लेकिन हो रहा है जी। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, चलेगा, कितना दिन तक ऐसे ही भेजेंगे? बाय बेटा, मम्मी बाय कर दीजिए एक बार। एक बार फटेंगे तो ना बाइक निकालिएगा, बैठ गए। और यहाँ पर भी भुजिया कट हो रहा है, इनका टिफिन दे दिए, इनका तो हो गया, हम लोग अभी थोड़ा सा तैयारी करना होगा ना। दोस्तों कब से घर में कुछ एक्स्ट्रा जैसे पेपर कुट ये सब पड़े हुए, कुर्सी टूटा हुआ वो सब पड़ा हुआ है, और आया है कच्चा वाला तो सब बेच देते हैं, क्या करेंगे? हाँ ये सब दे दीजिए, सब ले लेगा ना? हाँ ले लीजिए। कुछ ऐसा रख नहीं है देने के लिए क्या? और कचरा इस सब में? हाँ तो पहले ही दे दिए हैं, बाकी थोड़ा होगा कि खत्म कर दीजिए। सब डंगरा डंगरा के को फेंक रहे हैं सब चूहा इतना बर्बाद कर दिया ना, देख रहे सब तीनों, इतना अच्छा डब्बा था चलो वहां से ढोढो के मंगाए मायके से, और सब देखिए अति करना पड़ रहा है। हाँ तीनों तीनों काट दिया है। हाँ देखिए चूहा कैसे काटा है, सबसे बर्बाद कर दिया, छेद कर दिया चूहा तो काट के, और था ना कुटो निकाल दिए सब, सब निकाल दिए, बस एक नहीं है जितना ब्याज था घर में एक्स्ट्रा कचरा पड़ा सब हटा दिए, सब निकाल दिए। दोस्तों अभी बन रहा है खिचड़ी, जिसके लिए कुकर में सारा कुछ डाल रहे हैं। आज है शनिवार, इसके चलते शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए, सुबह से वो नाश्ता कर ही लिए हैं। और हाँ दोस्तों आज विधि को कलर अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिसके लिए लास्ट में मैडम बोले हुए थे, उसके बाद जो है जो निश्चय मतलब आज क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो आने वाला बेबी है वो कब आएगा, किस दिन आएगा। इसके चलते हम लोग कलर अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, मैडम साफ साफ हमें लिख दिए हुए हैं, उसके बाद में इनको देखते हैं क्या कैसे होता है, तो फिर घर वालों को बुलाया जाएगा। आप लोग कुछ कमेंट भी कर रहे थे कि घर वालों को बुला लो, तो हम लोग उसको सोचे हैं पहले क्यों बुला लें, घर में और लोगों काम रहता है, उसके बाद जब क्लियर हो जाएगा तब हम बुलाएंगे किसी को, क्या बोलते हैं? लेकिन अंदर ना बहुत भगदड़ मन कर रहा है, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे आज, बहुत डर लग रहा है हमको आज। इसके पहले जो अल्ट्रासाउंड होता था ना दोस्तों, वो होता था ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन लास्ट में हर एक समय मैडम कलर अल्ट्रासाउंड ही करते हैं, और जब बेबी मतलब कि 2.5 या 3 महीने का होता ना है
उसमें भी कलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं किए। इसके पहले कलर अल्ट्रासाउंड हुआ था हमारा ना, इसे केंद्र दिखा इसीलिए नहीं किए। इसीलिए नए लोग को सबका करते हैं जांच, थायराइड का करते हैं, ब्लड जांच, बहुत सारी जांच भी लेते हैं, लेकिन हम लोग का सब कुछ किया हुआ प्लस उसी डॉक्टर से दिखवाए हैं जहाँ पहले दिखवाए थे। इसके चलते ज्यादा हम लोग को लोचा नहीं पड़ा। क्या जी बाबू को दे? हाँ बाबू का अलग समय हो गया। यम्मी यम्मी तो इनके लिए घी तो उसमें फ्राई किए थे शायद ना, लेकिन उसमें सुबह नहीं किए थे, सॉरी हम ही भूल जाते हैं, तो इसलिए घी निकाले हैं इसमें, घी डाल कर खाएंगे। और अभी सीटी निकला नहीं है, हमारे डोगू साहब परेशान है खाने के लिए। लंच देखे खाए कि नहीं? हाँ 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 हो गया ना, जल्दी दीजिए इनको। गिरा दे दोस्तों। बस हम लोग का तैयारी हो गया, और ये कपड़े को ना चेयर पर रख रहे हैं सूखने के लिए, कहीं बारिश आ गई तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। दो साहब रेडी हो गए हैं, और अपना झोला बस्ता सब सजा लिए। हाँ जेरोक्स करवा लिए हैं, अगर मांगेंगे तो देना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी था ना, मांगे थे ना। देखिए पानी बोतल ला दे। अरे सूत रहे हैं, इनको ले जाना है का अच्छा पहन के? चले उनको जाना है तो सो रहे हैं, बताइए। पानी बोतल डाल दीजिए। अच्छा से बंद है ना ये? बेटा चप्पल नीचे खोलना सोते हैं बेटा, इसलिए हम अकेले चले जाते, लेकिन हम नहीं, अकेले जाने के लिए बोल रहे थे तो ऐसे में कैसे अकेले जाने थे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इनको, कभी कभी ऑटो वाला बाहर ही छोड़ देता है ना, और हम लोग को अभी निकलना है, मौसम खराब हो रहा है, कहीं बारिश आ गया तो हो जाएगा लफड़ा, गाड़ी ही बाहर निकल रखे हुए हैं। और आप लोग अभी तक नहीं हुआ? दूध बंद कर दिए हैं, मौसम खराब हो रहा है, क्या करेंगे। सबसे ज्यादा इनका दिक्कत है, भीग जाते हैं तो इनका शुरू हो जाता सर्दी खांसी बुखार। चल रहे हम भी चलेंगे, रुक जाइए। और अभी तक ये सामान सजा लिए रहे, बारिश आ गई हुए इसी में रुके हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगा, 10 मिनट लगा तो रुक जाते हैं, कभी तक के लिए हम लोग तो 10 मिनट नहीं हो जाते हैं। हाँ आराम से हो जाते हैं, बैठे बारिश में तो भी जाना चुके अभी कैसे हमें लिखाया है यहाँ पर तो नहीं तो सब होगा तो घूमने लगा था अभी जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर लगाने। रोते नहीं है? नहीं है कार नंबर लगाने वाले? तो इतना जल्दी आया तो दस मिनट दफा अगर लिख कर जाते तो ज़्यादा लिख रहा था। धूप एकदम से चलाता हूँ यहाँ पर यार। दोस्तों अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आ गया, और थोड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि आपको घर पर हम बताएंगे, दवाई सब हम ले लिए, इसको रख दीजिए फिर। और डू साहब कहाँ चल रहा है अभी? सूर्य स्टोर। मौसम अचानक से खराब कर दिया है घर पर, और इनका दर्द उसी कम से होते रह रहा है, और ये हम उछल रहे घर जाने के लिए। हम लोग 4 सूत्रों पानी दे रहा था, 11 पानी दे रहा है,
से भी बता दो कम से पानी खुले तब ना। हाँ भी जाएंगे हम पूरा भी जाएंगे। अभी कितना बारिश हो रहा है अभी सब लोग यहाँ पर वेट ही कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग आते हैं तो पूरा भीग गए और शाम के 7:30 बज गए। हम लोग पूरा कपड़ा भी सब चेंज कर दिए और डोगू साहब वहाँ देखिए आराम फरमा रहे हैं अभी और भी कागज पत्र अपन लेके बैठे हुए हैं। हाँ दोस्तों हमने आपको बोल रहा था कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जी हाँ दोस्तों सही बोले हम तो उसमें कुछ लिखा हुआ था लिखा हुआ था ना बोले कि मैम थोड़ा ध्यान देने के लिए कि बेबी का जो नाल है ना वो मतलब लबाया हुआ है फंस गया है। ओ तो वो नाल फंसने के चलते बोल रहे हैं कोई दिक्कत है इसके चलते इसलिए हमको ज्यादा कभी मुझे दर्द देने लगता है ना वही रीजन है खिंचाव जो पड़ता है ना उसे नीचे पर अब नीचे उधर नीचे एकदम दर्द होना शुरू हो जा रहा है और इसलिए इनका अब डिलीवरी डेट बहुत नज़दीक हो गया है। ऐसे में इनको कभी भी बेबी आ सकता है इसके चलते हम लोग कभी भी हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है और फिर भर्ती होना पड़ेगा ऐसा बोल दिया है। इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं बताया है बस यही बोला है कि बहुत जल्द जो है ना जब दर्द जब भी मतलब बढ़ जाए दर्द आके सीधे एडमिट हो जाना डायरेक्ट इस टाइप में बोल दिया है इसके चलते और बोल दिया थोड़ा नाल फंसा हुआ है लेकिन थोड़ा सा केयर करके रखना है जब भी अगर बेबी मान ली कि अगर मूवमेंट ना करे तो उसमें क्या करना है तुरंत हॉस्पिटल में आके मतलब एडमिट हो जाना है एडमिट होना है क्योंकि उसमें आपको बहुत जरूरी है और 34 वीक मेरा हो गया है मतलब बहुत नजदीक टाइम है। 34 वीक हाँ 34 वीक हो चुके हैं 34 वीक 6 डेज। अच्छा हाँ इसमें लिखा हुआ है 34 वीक ना। अच्छा हाँ इसमें लिखा हुआ था दोस्तों 34 वीक मतलब 37 वीक समझ ही हो गया इनका क्या एक दो दिन बाद यानी कि 9 × 4 = 36 तो ऊपर हो गया जी। नहीं तो ऐसा नहीं जोड़ती है हम लोग ना। अच्छा इधर पे जोड़ती है उन लोग 9 मंथ ऐसा नहीं है कि 9 मंथ होने के बाद तुरंत बेबी हुई है 9 मंथ के आगे 4 दिन 8 दिन 10 दिन अब जैसा डॉक्टर मैम बोलेंगे ऐसा ही ना होगा। और ये रहा देखिए कलर प्रिंट ये अल्ट्रासाउंड का कलर प्रिंट जो है निकाला है कलर उस टाइप ऐसे भी लोग को होगा समझने में कुछ तो ये वाला देखिए पूरा व्हाइट है ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है ये पूरा कहाँ निकाल ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है देखिए है ना ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसमें देखिए दोस्तों ये वाला में और इसमें बहुत अंतर है ये देखिए ये USG है ये। अच्छा ये जब 9 मंथ होता है 9 मंथ के लगभग होता है तब ये निकाला जाता है सब वहाँ पे ना लिखा हुआ था तो बस हमको टेंशन इस बात का हो रहा है कि पता नहीं कैसे होगा क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बहुत केयर करने के लिए इसलिए मुझे कभी भी ना दर्द शुरू हो रहा था उधर दर्द आज भर्ती हो जाएंगे कल भर्ती हो जाएंगे लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ आपका नाल जो बेबी का जो गला होता है ना उसमें फंस गया है उसकी वजह से आपको ज्यादा खिंचाव हो रहा है जितना हो सके ना बेबी को चलना सिखाइए मतलब मूवमेंट कराइए। अब वैसे तो दिन भर घूमते ही रहते हैं लगता है एक बैठने के मन बड़ा है तो पूरा कमर में पूरा फटने लगता है दिन भर वहाँ बैठे तो मतलब एकदम बड़ा जंक लग गया हमको वहाँ पर जाने का मतलब है कि पूरा एकदम दिन भर का समय लग जाना है और पानी ऊपर से वैसा ही तो हर ढा रहा था जाने लगे तो इसी बीच रास्ते में पानी आने लगे फिर भी पानी आने लगे तो पूरा भीगे गए जाते समय तो पानी खुला के हम पहुंच गए लेकिन आते समय कोई चारा नहीं ये तो छाता से थे थोड़ा सा बाबू को राहत मिला नहीं तो फिर उनको गमछी उछी किस उड़ा के लाए हैं और पानी भीगने में बहुत ज्यादा डर लगता है बहुत डर लग रहा है पता नहीं बेबी का पिछले बार डोगू का 2 गुना फंसा था कितना हमको कोई बात नहीं दोस्तों आप सब ना गौर से प्रे कीजिएगा हमारे साथ जो भी हो अच्छा हो किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब ऐसे में देखते हैं कुछ घर वाले को भी आने की जरूरत पड़ सकता है तो उन लोग आएंगे क्या कर सकते हैं फिर हम लोग अकेले में उतना हम लोग समझ में भी नहीं आता है ना वो लोग रहेंगे थोड़ा सा राहत मिलता है इसके चलते हम लोग को बुलाना पड़ेगा। दोस्तों आज का ये रिपोर्ट था बस आप सब गौर से प्रे कीजिए दोस्तों जो बेबी है अच्छा से आ जाए। आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ अब तक के लिए बाय।